तो देखिए फ्रेंड, आज ये सुंदर सी लटकन बनाना सीखेंगे हम। तो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लटकन बनाना सीखेंगे। फैब्रिक टसल्स होती है जो, उसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये मैंने येलो कलर लाइनिंग का कपड़ा लिया है। ये मैंने 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इस तरह के फ्रेंड देखिए, दो मैंने लाइनिंग के पार्ट लिए हैं। एक येलो जो मेन फैब्रिक है, और एक कंट्रास्ट में ग्रीन कलर का लिया है। इस तरह से हमारे 4 पार्ट है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये मैंने इस तरह की तिकोनी शेप में ये कपड़े कट किए हुए हैं। ये भी मैंने 4 पीस लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा जो मेन फैब्रिक है कपड़े का, उसको लेंगे इस तरह से, बीच में से इसको कट कर लेंगे दोनों पार्ट को। ये देखिए, हमने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद एक येलो वाला पार्ट लेंगे और ग्रीन, इन दोनों को हम यहां से सिल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको सील लिया है इस तरह से। इसी तरह से हम अपना दूसरे वाला पार्ट भी सील लेंगे। तो देखिए, हमने अपने दोनों पार्ट को सील लिया है। अब हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है, इसके ऊपर रखेंगे इसको, और यहाँ पर इसको चारों तरफ से सील लेंगे। यहाँ से फ्रेंड हम थोड़ा सा ऐसा खुला रखेंगे, ताकि इसको हम पलटने में आसानी होगी हमें। तो देखिए, हमने हमें इस तरह से लेकर इसको पलटना है। अंदर की साइड आप कोई भी पेंसिल या पेन लेकर यहाँ पर कॉर्नर इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद हम इसके चारों साइड में किनारों पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों को सील लिया है। अब इसको हम बीच में इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि बीच में से हमें यहाँ पर डोरी निकालनी है। दोनों वाले पार्ट को हम ऐसे ही सेंटर में से कट कर लेंगे। थोड़ा सा कट लगाना है हमें। ये देखिए, दोनों में हमने कट लिया है। अब इसके बाद देखिए, हमें फ्रेंड यहाँ पर 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, और लंबाई फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग खूब सारी लेनी है, ताकि हमें यहाँ पर फोल्ड करने के बाद इसको छोटी छोटी फ्रिल लगानी है। इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसको रेडी कर लिया है। अब जो हमने कोने कट किए हुए हैं तिकोनी शेप में, इसके ऊपर रखकर पूरे में अटैच कर लेंगे। फ्रेंड, हमने सारे में अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद इसको बाहर की साइड फोल्ड करके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अभी हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हम एक डोरी लेंगे। डोरी को इस तरह से हम इसको
इसकी अंदर से निकालना है हमें, और इसको फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल कॉर्नर पे मिलाना है हमें। इसके बाद इसी तरह से फ्रेंड हम दूसरी साइड में सिलाई लगा लेंगे। हमें थोड़ी तिरछी करके सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसको अंदर दोबारा फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये फ्लावर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड हम अपना, अब इसके बाद हमने जो ये पट्टी रेडी की है इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर अटैच करेंगे इसको। इसको सीधा कर देंगे और इसके बाद फ्रेंड हमें एक और यहाँ पर तिकोन कोना रखना है, तिकोनी वाली शेप का, और एक फ्लावर बनाकर इससे से हम पूरी पट्टी को रेडी कर लेंगे अपने। तो देखिए फ्रेंड हमने अपनी दोनों पट्टी को, दोनों टसल से इसको रेडी कर लिया है। ये देखिए कितना सुंदर लुक आया इसका। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।